नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती के जीवन के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हो गई। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थीं जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुर और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी है जो कि अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है, वे है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना में शासन किया। तो आइए जानते हैं इनके जन्म और इनके शुरुआती जीवन के बारे में। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें हुआ था और इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। ये मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेड़ा। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, जो कि मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्थित हैं, के बिल्डर थे। वर्तमान में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। महारानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। आपको बताना चाहूंगा कि रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीतों के शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनना और पढ़ना भी बहुत शौक था और रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी दुर्गावती अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। उनके साथ वे शिकार में भी जाती थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता से राज के कार्य भी सीख लिए थे और बाद में वे अपने पिता का उनके काम में हाथ भी बटाती थी। इनके पिता को भी अपनी पुत्री पर गर्व था और क्योंकि रानी सर्व गुण संपन्न थी, इस तरह उनकी शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत हुआ। बात करना चाहूंगा रानी दुर्गावती का विवाह और उसके बाद का जीवन के बारे में। तो रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजपूत राजाओं के राजकुमारों में से अपनी पुत्री के लिए योग्य राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर दुर्गावती तलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, किंतु उनके राजपूत न होकर गोंड जाति के होने के कारण रानी के पिता को यह स्वीकार न था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह थे, जो कि गढ़ा मंडला के शासक थे। वर्तमान में जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर मंडला और होशंगाबाद जिलों के रूप में सम्मिलित है। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्ध से प्रभावित होकर उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कालिंजर में युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज के साथ गठबंधन कर लिया। तब शेर शाह सूरी के लिए करारा जवाब था। जब उसने सन 1545 को कालिंजर पर हमला किया था, शेर शाह बहुत ताकतवर था। मध्य भारत के राज्यों के गठबंधन होने के बावजूद भी रहे अपने प्रयासों में बहुत सफल रहा, किंतु एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। उसी साल रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासक
बन गईं। रानी दुर्गावती का शासनकाल, तो रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य का शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौर गढ़किला, जो कि वर्तमान में दमोह जिले के पास स्थित सिंग्रामपुर में है, चौरा गढ़ किला जो कि वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के पास स्थित है, गाडरवारा में है, और स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने राज को पहाड़ियों, जंगलों और नालों के बीच स्थित कर इसे एक सुरक्षित जगह बना ली। वे सीखने की एक उदार संरक्षक थी और एक बड़ी एवं अच्छी तरह से सुसज्जित सेना को बनाने में कामयाब रही। उनके शासन में राज्य की मानो शक्ल ही बदल गई। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। उस समय उनका बहुत सा राज्य समृद्ध और संपन्न हो गया था। इसी के साथ शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सन 1556 में सुजात खान ने मालवा को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी का बेटा बाज बहादुर कला का एक महान संरक्षक था और उसने अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला किया, यह सोचकर कि वह एक महिला है, उसका राज्य आसानी से छीना जा सकता है, किंतु उसका उल्टा हुआ। रानी दुर्गावती युद्ध जीत गईं और युद्ध जीतने के बाद उन्हें देशवासियों द्वारा सम्मानित किया गया और उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई। रानी दुर्गावती का राज्य बहुत ही संपन्न था, यहाँ तक कि उनके राज्य की प्रजा लगान की पूर्ति स्वर्ण मुद्राओं द्वारा करने लगी। इस तरह उनका शासन काल बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। बात करेंगे रानी दुर्गावती और अकबर के बारे में, तो अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान, जो असफ खान के नाम से जाना जाता था, उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज में थी। उस समय रानी दुर्गावती का राज रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। रीवा असफ खान के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली मां महिम अंगा के पुत्र अधम खान के अधीन था। असफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज को हड़प कर रानी को अपने रनवासे में शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा, उसमें उसने रानी को प्रिय हाथी सरगम मन और उनके विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने के लिए कहा। इस पर रानी ने यह मांग अस्वीकार की। तब अकबर ने असफ खान को मंडला में हमला करने का आदेश दे दिया। करूंगा रानी दुर्गावती की लड़ाई। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य में मंडला में असफ खान ने हमला करने का निर्णय किया, लेकिन जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजनाओं के बारे में सुना, तब उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निर्णय लेकर योजना बनाई। उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं हैं, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने से तो अच्छा है कि सम्मान से मरना बेहतर होगा। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नराई नाले के पास पहुंची, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखलाओं से और दूसरी ओर से नर्मदा एवं गौर नदियों के बीच स्थित था। यही एक आसमान लड़ाई थी, क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित सैनिक की आधुनिक हथियारों के साथ भीड़ थी और दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मनों ने घाटी पर प्रवेश किया, तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए, किंतु रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजयी रही। वे मुगल सेना का पीछा करते हुए घाटी से बाहर आ गईं। 2 साल बाद सन 1564 में असफ खान ने फिर से रानी दुर्गावती के राज पर हमला किया और इसके लिए रानी ने भी अपने सलाहकारों के साथ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थी, क्योंकि उस समय लोग आराम से रहते हैं, लेकिन उनके एक सहयोगी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सुबह असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी शर्मन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आई। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। रानी ने मुगल सेना को 3 बार वापस लौटने पर मजबूर किया, किंतु इस बार वे घायल हो चुकी थी और एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण गंभीरता से घायल हो चुके थे। तब रानी ने विचलित
ना होते हुए अपने सैनिकों से नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा और वे फिर से युद्ध करने लगी। रानी दुर्गावती की मृत्यु और उनकी समाधि तो बात करेंगे। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। 24 जून सन 1524 को लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकल गया और एक तीर ने उनकी गर्दन को छेदा दिया और बेहोश होने लगी। उस समय उनको लगने लगा कि अब ये लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और उससे कहा, दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लो। रानी ने अपने ही एक सैनिक से कहा कि तुम मुझे मार दो, किंतु उस सैनिक ने अपने मालिक को मारना सही नहीं समझा, इसलिए उसने रानी को मारने से मना कर दिया। तब रानी ने अपनी ही तलवार अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए एक बार फिर युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ती रही। अपनी मृत्यु के पहले रानी दुर्गावती ने लगभग 15 साल तक शासन किया। तो आपको बताना चाहूंगा, रानी दुर्गावती के मिला सम्मान, वर्तमान में रानी दुर्गावती के सम्मान में बहुत सी जगहों पर निर्माण हुआ। रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 24 जून सन 1988 में उनकी मौत के दिन एक डाक टिकट जारी किया। और भी कई ऐसे पुरस्कार थे जो रानी की याद में बनाए गए और उनको दिए गए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी रानी दुर्गावती के जीवन से जुड़ी ये कहानी जो मैंने आपको बताई? अगर आपको इसमें कोई भी चेंजिंग लगती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपने कीमती वक्त दिया।